हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स ऑन अप्रूवल की एंट्री आप टैली के अंदर कैसे करेंगे जीएसटी के टाइम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेल्स ऑन अप्रूवल होता क्या है। ये जब हम अपने डीलर्स से, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, दोनों कंडीशंस में मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जब डीलर्स के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि हम उन्हें गुड्स तो देंगे बट वो या तो उस गुड्स को रखेंगे या रिटर्न करेंगे। मतलब उनके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उन्हें गुड्स पसंद आएगा तो वो उस गुड्स को रखेंगे या वापस हमें गुड्स रिटर्न कर देंगे। तो उसमें से हो सकता है या तो वो सारे के सारे गुड्स हमें रिटर्न कर दें या उसमें से कुछ गुड्स हमें रिटर्न करें, या ऐसा भी हो सकता है कि वो उनमें से जो मैंने उन्हें गुड्स दिए हैं भले वो अपने पास नहीं रखे लेकिन उन्हें वो फॉरवर्ड कर दे, यानी आगे सेल कर दे। तो ये सारी ट्रीटमेंट हम टैली के साथ कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जीएसटी के टाइम आपको ये बता दूं, लॉ के हिसाब से अगर आप किसी डीलर को गुड्स दे रहे हैं इस कंडीशन के तहत, तो उस सिचुएशन में वो अगर 6 महीने के अंदर या तो गुड्स आपको रिटर्न करेगा, जिस डेट को आपने गुड्स दिए हैं उसने रिसीव किए हैं उस डेट से लेकर, जब मतलब आपने डिलीवरी नोट क्रिएट किया होगा उस डेट से लेकर 6 महीने के अंदर, या तो वो गुड्स आपको वापस रिटर्न करेगा या उसे सोल्ड कर देगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस सिचुएशन में माना जाएगा कि आपने उसे गुड्स सेल कर दिए हैं और उसने रिसीव कर लिए हैं और उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसके हिसाब से एंट्रीज की बात कर लेते हैं कि टैली में हमें कैसे एंट्रीज करनी है। बाकी जो लॉ की बातें हैं वो आप अपने सीए या लॉयर से और भी ज़्यादा कन्फर्म हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि F11 यानी फीचर्स में जाना है, स्टेचुरी एंड टैक्सेशन में जाना है, यहाँ पर हमें जीएसटी को इनेबल करना है, उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी में जाकर हमें सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। इसके बाद हमें आ जाना है इसे विंडो को एक्सेप्ट करके बाहर, उसके बाद हमें यहाँ आना है इन्वेंट्री फीचर्स में। यहाँ पर आने के बाद हमें सबसे लास्ट ऑप्शन अदर फीचर्स में जाकर यूज ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट्स को यस करना है और यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स को यस कर लेना है, उसके बाद इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम पार्टी को सेल करेंगे, मतलब गुड्स देंगे, सेल नहीं करेंगे गुड्स देंगे, तो हम डिलीवरी नोट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं, वो मैं दिखा देता हूं। लेजर्स यानी एल्टर में जा रहा हूं मैं, यहां पर मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी के कुछ कॉमन लेजर्स क्रिएट किए हैं, ये आपको पता ही होगा कि कैसे क्रिएट करने, अगर नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें। यहां पर मैं दिखा देता हूं पार्टी का लेजर, संडे डेटर का मैं लेजर आपको दिखा देता हूं। ये देखिए संदीप नाम से, यहाँ पर आप अपना फार्म नेम वगैरह डाल सकते हैं जिसे आप सेल कर रहे हैं या जिसे आप गुड्स दे रहे हैं डिलीवरी नोट के तहत। यहाँ पर आप संडे डेटर ले लेंगे और यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल्स वगैरह दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स वगैरह फिल कर देंगे, उसके बाद इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं बाहर, मैंने एक स्टॉक आइटम भी क्रिएट किया हुआ है जैसे लिंक लॉक, यही मैं दूंगा। देखिए प्राइमरी के अंदर है, आप यहाँ पर कंपनी नेम वगैरह दे सकते हैं, क्वांटिटी दे दी मैंने, यहाँ पर मैंने जीएसटी अप्लीकेबल किया है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं और यहाँ पर गुड्स लिया हुआ है टाइप ऑफ सप्लाई में। यहाँ पर मैं परचेज की एंट्री पास नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी में इसकी ओपनिंग बैलेंस डाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं ताकि आपको अच्छे से इफेक्ट दिखा पाऊँ टैली के अंदर टैक्सेशन वगैरह का, इसलिए मैं यहाँ पर परचेज की एंट्री नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं 100 पीस डाल देता हूँ 500 रुपये के हिसाब से, आप देख सकते हैं मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया। आप आ जाइए स्टॉक समरी में, देखिए यहाँ पर है मेरे 100 पीसेज। अब हम हमें करना क्या है, हमें अकाउंटिंग वाउचर में आना है और अब हमें यहाँ पर सेल्स इनवॉइस क्रिएट नहीं करनी है, हमें यहाँ पर डिलीवरी नोट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, एल्ट के साथ हमें F8 प्रेस करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में रहते हुए हमें एल्ट के साथ F8 प्रेस करना होगा, तो डिलीवरी नोट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, डेट डाल देनी है, जैसे कि मेरी 31 तारीख डाली हुई है, आप वही डाल लें या सपोज मैं यहाँ पर 1 जुलाई ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें वही पार्टी सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आके हमें सेल्स, यहाँ पर हमें वो आइटम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर हमें ट्रैकिंग नंबर डालना होगा, तो न्यू नंबर में जाकर हम कोई भी ट्रैकिंग नंबर डाल देंगे अपने मन से। देख सकते हैं आप,
उसके बाद हमें यहाँ पर क्वांटिटी डालनी। मान लीजिए 50 पीसेज मुझे देना है उसे 200 रुपये के रेट से। यहाँ पर हमें टैक्स का यूज नहीं करना है क्योंकि आप यहाँ पर सेल नहीं कर रहे हैं। याद रहे, यहाँ पर आप अभी सेल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ डिलीवरी नोट के तहत उसे गुड्स दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्रकार की टैक्स नहीं लगानी है, ना ही CGST, ना ही IGST वगैरह। उसके बाद आपको इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। अब आ जाइए बाहर, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 50,000, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा कैपिटल का एंट्री मैंने नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अब हम आ जाते हैं पीएल में। पीएल में देखिए, यहाँ पर जब हम डिटेल्स में कर देंगे तो यहाँ पर देखिए सेल्स मेरी नील है, या सेल्स बिल टू बी मेक 10,000 है क्योंकि मैंने बिल नहीं अभी क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब सपोज कीजिए कि आपने उसे गुड्स दे दिया डिलीवरी नोट के जरिए, आपने इशू कर दिया डिलीवरी नोट और गुड्स उसे रिसीव हो गया। अब वो 10 दिन, 20 दिन या 2 महीने बाद आपको कहता है, मतलब 6 मंथ के अंदर उसे कुछ भी रिस्पॉन्स देना नहीं, तो ये माना जाएगा कि आपने सेल कर दिया उस पार्टी को और उसने रिसीव कर लिया और टैक्स की लाइबिलिटी रेज हो जाएगी, ठीक है। तो उसने कहा 2 महीने बाद कि अब मुझे इसमें से 50 पीस में से 40 पीस मुझे रखने हैं, बाकी 10 पीस मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं। या तो वो पूरे के पूरे रिटर्न कर सकता है, या कुछ उसमें से पोर्शन रिटर्न कर सकता है, या वो आगे भी फॉरवर्ड कर सकता है सेल अपनी किसी पार्टी को। तो उस सिचुएशन में भी सेल माना जाएगा, जैसे वो अपनी पार्टी को सेल कर दे तो आप उसके लिए इनवॉइस जनरेट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। या अगर वो कहे कि आप डायरेक्ट उस पार्टी को इनवॉइस जनरेट कर दीजिए तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इनवॉइस जनरेट करनी है सबसे पहले, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि 40 पीस वो रखेगा अपने पास। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाना है हमें, सेल्स वाउचर में जाना है, और यहाँ पर हमें सपोज कीजिए डेट पहले मैं सेट कर लेता हूँ, 31 तारीख को उसने मुझे कहा। सेल्स वाउचर में आ गए हम, टैक्स इनवॉइस, यहाँ पर मैं वही पार्टी ले लेता हूँ संदीप, और यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है डिलीवरी नोट नंबर, तो मैंने जो उन्हें ट्रैकिंग नंबर दिया था वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, याद रहे वो यूज़ जरूर करना है आपको। उसके बाद सेल्स, उसके बाद वो आइटम ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। मैं यहाँ पर 40 पीसेस कर दूंगा क्योंकि वो 40 पीसेस ही रखेगा, फिर CGST और SGST हम लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मेरी लोकल सेल है, मेरे स्टेट के अंदर ही सेल है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेल हो गई। अब हम आ जाते हैं स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में अभी भी आपको 50 पीस ही दिखाई दे रहा है, हम जब अंदर में डिटेल में जाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 40 पीस सेल हो चुका है और 10 पीस सेल्स बिल पेंडिंग में दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने डिलीवरी नोट के जरिए उन्हें ये गुड्स दिया है। अब आ जाते हैं हम पीएल में। पीएल में हम डिटेल में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेल्स 8,000 का है, 2,000 आपको सेल्स बिल टू मेक करके दिखाई दे रहा है। और बैलेंस शीट में आएंगे तो आपको करंट लाइबिलिटीज में, यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, क्रेडिट साइड आपको दिखाई दे रहा है जो आउटपुट आपका बना। अब हम बात कर लेते हैं, फिर वापस हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, क्योंकि अब हमें जो वो रिजेक्ट जो उसने किया है क्वांटिटी यानी 10 पीस, उसकी एंट्री हमें पास करनी है। तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करना होगा, याद रहे कंट्रोल के साथ F6। या आप इन्वेंट्री वाउचर में भी जाकर कर सकते हैं एंट्रीज, जैसे मैं अकाउंटिंग वाउचर में कर रहा हूँ, बाहर में आपको इन्वेंट्री वाउचर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पर वही पार्टी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आइटम ट्रैकिंग नंबर 10 पीस, और याद रहे यहाँ पर भी हमें कोई टैक्स वगैरह यूज नहीं करनी है क्योंकि जब हमने डिलीवरी नोट के जरिए उन्हें दिया था तो कोई टैक्स का यूज नहीं किया था, तो यहाँ पर भी हमें टैक्स वगैरह यूज नहीं करनी है। अब आ जाते हैं हम वापस से स्टॉक समरी में। यहाँ पर देखिए 60 पीसेज हो गया क्योंकि 10 पीस वापस आ गए मेरे, देख सकते हैं। और वो जो एंट्री थी वो हट गई वहां से। पीएल में हम आ जाते हैं, डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ सेल्स में 8,000 रुपीज आपको दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जनरली जब हम किसी को सेल करते हैं और गुड्स रिटर्न लेते हैं तो हम क्रेडिट नोट का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हम क्रेडिट नोट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने जब गुड्स दिया था
तो हमने कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाई थी, लेकिन अगर हम क्रेडिट नोट का यूज करते हैं तो उस समय हमें टैक्स लगानी पड़ती, तो वो जब सेल्स आप नॉर्मली करते हैं तब यूज करें। अब हम आ जाते हैं इस GSTR का रिपोर्टिंग देख लेते हैं, डिस्प्ले स्टेचू रिपोर्ट्स GST GSTR 1, और यहाँ पर मिसमैच में दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये मेरा GST नंबर मैंने रॉन्ग डाला था, इसी कारण ये प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज ये आपका परफेक्टली आ जाता, क्योंकि टैली में ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें अगर आप जो पोर्टल पे रजिस्टर्ड है GST नंबर अगर वो आप नहीं डालते हैं परफेक्टली तो सिचुएशन में आपका मिसमैच में जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण वो मिसमैच में जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।